असलकम बात करते हैं डेटा साइंस सीखने के लिए रिसोर्स की आप लोगों की ज़िंदगी हमने बहुत आसान कर दी है और तमाम टूल्स जो आपको सीखने चाहिए एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए उनके ऊपर हमने बहुत आसान ज़ुबान के अंदर उर्दू लैंग्वेज के अंदर किताबें लिखती हैं उसका लिंक मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर लूँगा उन किताबों की छोटी सी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ पहली किताबें सी प्लस प्लस की अगर आप मेन लाइब्रेरीज़ में काम कर रहे हैं गिटअप के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको सी प्लस प्लस लाजमी आनी चाहिए हमारे पास इंटरमीडियट का जो एच ई सी का निसाब है सी प्लस प्लस का वो तमाम का तमाम इस किताब में पढ़ा दिया गया है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो मदारस से पढ़ के डेटा साइंस की फील्ड में आते हैं जो जिन्होंने आर्ट्स में होम इकनॉमिक्स के अंदर इंटरमीडिएट किया होता है प्री मेडिकल से क्या होता है और उनके पास विक्वायर्ड मैथमेटिक्स का या प्रोगिंग का बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको यहाँ से सी प्स प्लस से शुरू करना चाहिए ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ मनी पैसों के ऊपर बात करती है अगर आप आगे जाके डेटा साइंस को और ब्लॉक को कंबाइन करेंगे जो किताब ज़रूर है अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं जो कि डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ आना चाहते हैं उनकी उम्र पाँच साल से पंद्रह साल के बीच में है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो किताब है इससे आप उनको शुरू कीजिए फिर हमारे पास किताब है ब्लॉक चेन के अंदर ब्लॉक के लिए बहुत बेहतर है अगर आप साइबर सिक्योरिटी को कंबाइन करना चाह रहे हैं डेटा साइंस के अंदर तो ये किताब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा बग बाउंटी फॉर डमीज़ इसको ज़रूर पढ़ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फिफ्थ ग्रेडर बच्चे आपके घर में मौजूद हैं और ए की इन डेप्थ नॉलेज आप उनको देना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मसनू जहानत उर्दू के अंदर शायद इससे ज़्यादा डिटेल किताब कोई लिखी गई हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जहानत किसे कहते हैं मसनू जहानत किसे कहते हैं इसमें कैरियर की और जॉब के क्या मौाक़े हैं आगे फील्ड किस तरफ जा रही है कैसे आप एक अच्छे ए आई डेवलपर बन सकते हैं ये तमाम बातें आपको सिर्फ पाँच सौ में इस किताब में मिल जाएंगी डेटा साइंस में आप शुरू करने और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि डेटा साइंस कहते कैसे हैं क्या हम इसमें जा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं है क्या इसमें मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता ये तमाम बातें आपको डेटा साइंस की किताब से मिल जाएंगी डेटा साइंटिस्ट का ये पूरा बुक सेट है इसमें वो तमाम किताबें जो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए वो तमाम की तमाम मौजूद हैं आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते हैं चार साल सत्ताईस लाख फीस देते हैं तीस लाख फीस देते हैं चालीस लाख फीस देते हैं और बाहर से अगर मुल्क से बाहर से पढ़ रहे हैं अमरीका से यू से तो ये फ़ीस तीन तीन चार चार करोड़ तक तो पहुँच जाती है उसके बदले सिर्फ दस हज़ार रुपये के अंदर दस हज़ार नौ सौ रुपये के अंदर ये तमाम किताबें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं जिसको सीखकर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप इस पर क्लिक करें तो टोटल लिखी हुई आ रही है कि टोटल कितनी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं तकरीबन अट्ठारह किताबें मौजूद हैं जो सारी के सारी आप सीख कर एक बहुत पढ़ कर एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं डेटा का बसरी इज़हार डेटा विजुलाइजेशन को कहते हैं पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट वन के अंदर प्लॉटली और बूके पर काम किया गया है और दूसरी जिल्द के अंदर मज़ीद किस तरीके से बनाते हैं चार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके ऊपर तफसील से बात की गई है एडवर्ड तुफते जो है वो विजुअलाइजेशन का बाप कहलाता है उसने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है तो अगर आपने फ़िलिप कोटलर को एडवर्ड तुफ्ते को नहीं पढ़ा और सिर्फ ये दो किताबें भी आप पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगी नई बुक्स आई हैं ये पूरा विजुलाइजेशन सेट है पावर बी का पावर बी फर्स्ट है पावर बी सेकंड है एडवांस और बेसिक इसमें मौजूद है टेबलों में बात की आपसे भी टेबलों की स्किल सीख लेते ना जो आप तीन महीने में सीख सकते हैं तो पूरी दुनिया में बहुत आराम से कहीं भी आप विजुलाइजेशन डेवलपर लग सकते हैं और आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह अगर बाहर मुल्क में है तो साठ हज़ार डॉलर से होगी इवन पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं तो डेढ़ दो लाख रुपये से आप शुरू कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी स्किल सिर्फ तीन महीने में आपको आ सकती है और ये पूरी स्किल इस किताब में सिखाई गई है डिजिटल जासूस और एक था डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर किताबें डेटा स्ट्रक्चर्स अमूई तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती बच्चे डेटा साइंस के लिए आते हैं लेकिन जब आप उनसे एल्गोरिथम पूछते हैं और बेसिक इंटरव्यू के अंदर बेसिक सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब नहीं आते सर्चिंग किसे कहते हैं सॉर्टिंग किसे कहते हैं डाइकेस्टा ने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एन कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होते अब इनको बजाय इसके कि हम मुश्किल तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ाएं तो दो कहानियाँ लिख दी गई हैं इन कहानी के अंदर एक शज़ादी होती है पहली कहानी के अंदर और वो अपने मुल्क को डायनासोर से और अजीब व गरीब से बचाना चाह रही होती है और वो जो तमाम के तमाम डिसीशन ले रही होती है वो किसी न किसी एल्गोरिथम के ऊपर बेस करते हैं कहानी की कहानी हो जाएगी आप आराम से पढ़ सकते हैं और साथ में आप पूरे का पूरा डेटा स्ट्रक्चर सीख जाएंगे डिजिटल जासूस बिल्कुल इसी तरीके से दारुल हुकूमत के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस अफसर की कहानी है जो कि क्राइम को सुराग लगाता है अब चोरों तक पहुँचने के लिए तमाम के तमाम जो स्टेप्स उठाता है वो किसी न किसी अलग्रथम के मनून मन्नत होते हैं आप एक क्राइम स्टोरी भी यहाँ से सीख सकते हैं और साथ में डेटा इस्टचर्स के तमाम अलगोथम्स जो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने में आपको मदद करेंगे वो भी साथ में यह यहाँ से सीख जाएंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉक चेंट उर्द इंग्लिश वर्जन ने किताब का ब्लॉक चेन की इसके अंदर हमने केस स्टडीज़ भी दी हैं और स्पेशली बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ब्लॉक चें को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम ब्लॉक चैन के ऊपर नेशनल सेंसस कर सकते हैं क्या ब्लॉक चें के ऊपर सेक्चुअल हरासमेंट रजिस्ट्री बनाई जा सकती है क्या ब्लॉक चें के ऊपर मुल्क के एलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं इंटरनेट से पैसा कमाएँ फ्री लास्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है वो तमाम तरीके जिससे आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं वो इसमें दिए गए अगर आप हाउस वाइफ हैं अगर आप काम करना चाहते हैं घर से बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं तो इस किताब के अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है फोट्रॉन के अंदर फोट्रॉन पर बात करते हैं फोट्रॉन और आर्ए कोबोल का इस तरीके से आया कि कोविड के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अपने सिस्टम्स को अप्रेड करना पड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ में आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स आज तक ऐसे चल रहे हैं जिनकी प्रोग्रामिंग फोट्रान में और आर एम कोबोल के अंदर हुई हुई है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्किल हो गई है जिसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्लाउड के ऊपर बात करते हैं आप डेव ऑप्स का ट्रैक ले रहे हैं आपको लाजमी लिनिक्स आनी चाहिए अगर आप ए डब्ल्यू एस पे काम करना चाह रहे हैं या जी सी पी काम करना चाह रहे हैं मशीन्स को सेटअप करने के लिए इससे अच्छी किताब लिनिक्स के ऊपर बेसिक मर्दों में, में आपको नहीं मिलेगी केगल केगल हमने कंपटिशन में भी डिस्कस किया कोर्स के अंदर केगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल ने रिसेंटली एक्वायर किया है एक मिलियन से ऊपर डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद है दुनिया भर के यू नेम नेमा कंपनी गूगल फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न वनर्स ब्रादर्स इस बात का बड़ा कवि इम्कान है कि अगर वहाँ पर डेटा साइंटिस्ट है तो केगल पर मौजूद होगा यहाँ पर अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पर भी काम कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे उमून बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जी हमने डेटा साइंस तो सीख लिया हमारे पास रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है हम एफ आई पी करना चाहते हैं हमारे पास कोई डेटा सेट नहीं है या डेटा सेट भी मौजूद है लाइफ का एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है अगर आप यहाँ पे एफ आई पी करते हैं डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाता है अगर आप कहीं पर स्टक होते हैं तो पूरी कम्युनिटी मौजूद है जो आपको गाइड कर सकेगी जो आपकी हेल्प कर सकेगी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं कोई प्राइज जीत जाते हैं कोई मेडल जीत जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया में किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि आपने एफ आई पी में क्या किया था और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है और किसी कंपनी के लिए आप अच्छा काम करते हैं कंपनी आपको डायरेक्टली हायर कर लेगी हमने अपने डेटा साइंस के कोर्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे डेटा सेट्स अपलोड किए हैं और अगर उन पर काम करते हैं तो उन्नीस बीस कंपनी लाइव आपको देख रही हैं आपका काम पसंद आएगा तो डायरेक्टली आपको जो वफर आ जाएगी मशीन लर्निंग एक बड़ा मुश्किल टॉपिक हमारे पास समझा जाता है अंडर ग्रेड के बच्चों को पता ही नहीं होता ग्रेजुएट पीच डी पर बात की जाती है तमाम तर ज मशीन लर्निंग के एल्गोथम्स हैं बिल्कुल आसान उर्दू के अंदर आसान मिसालों के साथ इन दोनों किताबों में समझा दिए गए हैं मशीन लर्निंग वन और टू इससे बेहतर मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन आपको शायद किसी इंग्लिश किताब में भी ना मिले कुछ किताबें और मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी हमने बात की अपने कोर्स के अंदर कि ये तमाम फील्ड्स आपस में मैश हो रही हैं दुनिया में कोई ऐसी एआई नहीं बची जिसको हम डेटा ना फीड करते हो कोई ऐसी डेटा साइंस नहीं बची जिसमें आई का अलगुर इस्तेमाल ना करते हो हम डेटा में स्टोर कर रहे हैं अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया तो ब्लॉक हो गया और साइबर सिक्योरिटी कोांटम कंप्यूटिंग इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं ये तमाम की तमाम फील्ड्स आगे जाके मर्ज हो जाएंगी इस मर्जिंग के ऊपर इस क्रॉस पॉलिनीशन के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहें देन यू विल एव अ वेरी वेरी लिथल कम्बीशन दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको डेटा साइंस भी आती हो एआई भी आती हो साइबर सिक्योरिटी भी आती हो मशीन लर्निंग भी आती हो तो अगर आप डेटा साइंस को मशीन लर्निंग को साइबर सिक्योरिटी की तरफ इस्तेमाल करना चाहें तो इससे बेहतर किताब शायद आपको ना मिल सके डॉक्टर कुसुम की किताब है कि साइंस मुसलमानों को क्यों सीखनी चाहिए यूथ को क्यों पढ़नी चाहिए अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि इस फील्ड में आपको आना ही क्यों है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें कामयाब किरदार हमारी एक छोटी सी काविशे कर कैरक्टर करियोक्रम के ऊपर तालीम और तरबियत की बात करते हैं तालीम तो आपको मिल जाती है तरबियत का बड़ा फगदान है और हमें से हर शख्स इस बात के ऊपर एग्री करता है वो कौन सी स्किल्स हैं वो कौन से पर्सनैलिटी के बेसिक ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप चाहते हुए भी जानबूझ के भी नाकाम नहीं रह सकते ये जानना चाहें तो इस किताब को पढ़ लें ये तो पूरा का पूरा सेट है किताब से पाँच सौ की है पावर बी फर्स्ट और सेकेंड मैं आपको बता चुका हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बड़ी फील्ड है इसके ऊपर मजीद डिटेल में कभी बात करेंगे एक प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है यू आई यू एक्स किस तरीके से होगी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का कैसे ख्याल करना है इससे अच्छी किताब आपको इस टॉपिक पर नहीं मिलेगी पाई स्पार्क वन और टू पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर ये आपका लिटमस टेस्ट है पाइथन और आर के ऊपर अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हैं आर और पाइथन सीखना चाहते हैं तो दो किताबें ले लीजिए इन किताबों के पढ़ के अगर आप इनकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते इन किताबों को पढ़ के अगर आप इनकी जो मशकें वो नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ये फील्ड एक लिटमस टेस्ट से इस बात का यह फील्ड लिए नहीं है आपको कुछ और काम करना चाहिए इसमें इतने आसान तरीके से सिखाई गई है आप दोनों किताब पढ़ के पंद्रह दिन के अंदर पाइथन और आर के अंदर प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं अली महम्मद की किताब है साइंस फ्रॉड और धोखा यहाँ पर बात की गई है कि मुल्क अजीज के अंदर किस तरीके से लोग साइंस के नाम के ऊपर लोगों को धोखा देते हैं और किस तरीके से पौंजी स्कीमें रन करते हैं ये किताब पढ़ लें इससे कम से कम ये फ़ायदा होगा कि कोई आपको चूना नहीं लगा सकेगा ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा सकेगा आपको साइंटिफिक मेथड का पता लगेगा साइंटिफिक मेथड कैसे करते हैं किसे कहते हैं और डेटा साइंस में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं पिस्नाशी की तमाम किताबों का सर यहाँ मौजूद है ये मेरा मास्टर्स और पी का थीसीज़ है सिमरेशन ऑफ सुसाइड बम्बिंग मेरा पी एच ड थीसीज़ है सुपर मार्किट्स वाला मेरा मास्टर्स थीसीज़ है इनको पढ़ के आप मालूम कर पाएंगे कि किस तरीके से डेटा साइंस को हम काउंटर टेरिज़म के लिए या वाल के अंदर इम्पल शॉपिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वक्फा परेशानी बेसिक आपकी किताब है मोटिवेशन के ऊपर कौन से ट्रेड्स हैं कौन से छोटे छोटे लाइफ हैक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप एक अच्छे प्रोग्रामर एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं डेटा एनालिस बनना चाहते हैं ये तीन किताबों का सेट है ये तीन किताबें आप पढ़ लें आपको शायद मजीद कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े एक अच्छा डेटा अनालिस्ट बनने के लिए ये रिसोसिस का तारफ़ था ये किताबें हैं इनको आप ज़रूर पढ़िए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको किसी और शख्स के पास जाके मजीद कोई कोर्स करने की कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी तमाम की तमाम किताबें लोकल लैंग्वेज में पाकिस्तान में आपके पास अवेलेबल है उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़रूर इस्तफ़ा हासिल करेंगे और अपना फीडबैक हमसे शेयर करेंगे मैं हूँ आप सबका ज़िशान स्स्मानी